नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ये जो हमारी हथेली होती है, इसके नीचे ये जो रेखाएं, ये वाला भाग, इसे मणिबंध कहा जाता है। तो हस्तरेखा के अंतर्गत मणिबंध का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और यहाँ पर बनने वाली कुछ खास रेखाएं आपको राजयोग का संकेत भी देती है, यानी कि राजयोग के साफ साफ चिन्ह इन मणिबंध पर पाए जाते हैं, स्त्री हो अथवा पुरुष। यदि ये चिन्ह आपके हाथ में होंगे तो आपको निश्चित आपके जीवन में राजयोग का निर्माण हो सकता है। वो किस तरीके से और कैसे हैं, वो निशान कैसे बनते हैं, कहां पाए जाते हैं, इन सारी डिटेल्स को हम जानते हैं इन डिटेल। श्री राम जय राम जय जय राम जय कलाई पर जो ये मणिबंध के निशान है, इसे कलाई कहते हैं, लेकिन इसे मणिबंध कहा जाता है पामिस्ट्री में। तो इस कलाई पर मणिबंध की जो रेखाएं हैं, वो स्पष्ट रूप से, यदि तीन रेखाएं हो, एक दो और तीन, इस प्रकार से तीन रेखाएं स्पष्ट रूप से दिख रही हो, और साथ ही में ये मणिबंध जो है, ये जो हमारा हिस्सा होता है हाथ का कलाई, ये कलाई थोड़ी सी मोटी कलाई हो। जिन लोगों की ये कलाई काफी मोटी होती है और यहाँ पर ये दिखने वाली हड्डी या ये कलाई जो है, इस पर मांस अधिक होता है, यानी कि मोटी कलाई होती है, तो ये मोटी गदगदी ऐसी कलाई, ऐसा मणिबंध, और साथ साथ में तीन रेखाएं स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, एक दो और तीन। इस प्रकार से यदि तीन रेखाएं स्पष्ट रूप से मणिबंध कलाई पर हो और हाथ यहां से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक हाथ पर ये राजयोग चिन्ह नहीं बनते। तो मोटी कलाई और ये तीन रेखाएं यदि स्पष्ट रूप से हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में राजा के समान होते हैं। राजा इन द सेंस, उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख और संपदाएं ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी और आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति हृदय से बहुत ज्यादा दयालु किस्म के होते हैं और दयालुता के कारण काफी फेमस ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। दोस्तों, वही यदि सामान्य कलाई, सामान्य तीन प्रकार की कलाई होती है, एक थोड़ा मांस चढ़ी हुई मोटी कलाई, दूसरी सामान्य, और तीसरी बिल्कुल बारीक, हाथ से यहां से बिल्कुल बारीक, और बाकी के हाथ पुष्ट हो, लेकिन यहां पर बिल्कुल बारीक से यदि ये कलाई हो, मणिबंध हो, तो इस स्थिति में न्यूनतम सामान्य से सामान्य कलाई जो देखी जाती है, उससे बिल्कुल बारीक हो, बिल्कुल न्यून हो, तो ऐसे में ये राजयोग का चिन्ह ऐसे व्यक्तियों के हाथ में नहीं बन पाता। इसलिए सामान्य से न्यून, बिल्कुल कम पतली कलाई ऐसे व्यक्तियों को दरिद्र बना सकती है। दरिद्र का मतलब होता है धन से हीन, द्रव्य से हीन, और सफलता पाने में काफी परेशानी ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। वहीं यदि इन्हीं मणिबंध से यदि कोई तीन रेखाएं चलती हुई और हाथ अंदर हाथ की तरफ आ रही हो, कुछ बारीक बारीक रेखाएं चलती हुई हथेली की तरफ आ रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों का भी अपने जीवन में एक उच्च और बड़ा राजयोग माना जाता है। राजयोग का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त करके किसी उच्च पदवी पर, किसी उच्च सम्मान को पाना आज के समय का राजयोग माना जाता है, बने जाते हैं। इसी के साथ में ही जिनकी तीन रेखाएं, एक दो तीन, तीनों रेखाएं यदि स्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा, ऊंचा और एक भव्य जीवन और लंबा जीवन, जिसे दीर्घायु कहते हैं, दीर्घायु के साथ में जीते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे। We'll be right back.